Morning students, how are you all? I hope you all are fine and good. Okay, let's start our class for 5th class term 2 science. Okay, for 5th class term 2 science. Okay, already we started our lesson, no? What is our lesson name? Nervous system. Okay, today we will continue the lesson. Okay, in previous class we learned about the sense organs, do's and don'ts of eyes. Now we will learn remaining today. Yes. ईयर्स मीन्स वॉट कान है ना उसको ईयर्स बोलते ईयर बोलते एक कान को ईयर बोलते दो कान को ईयर्स बोलते ओके डूस इफ़ यू हैव एन ईयर एक आस्क एन अडल्ट टू टेक यूर टू डॉक्टर यूज अ क्लीन कॉटन स्वैब टू क्लीन यूर ईयर्स सो इसका ध्यान कैसा रखना अपन जैसे अपने को कभी कान का दर्द हुआ तो अपन जैसे कुछ तेल डालना उसके अंदर लकड़ी से साफ करना वैसे चीज़ें नहीं करना तो अडल्ट जिस आपसे जो बड़े हैं ना उन लोगों से आप सजेशन लेना या ना बोलते डॉक्टर को कंसल्ट करना और कभी भी हो अपने कान को क्लीन करने के लिए कॉटन का स्वैब रहता ना उससे क्लीन करना एंड डोंट्स नेवर क्लीन योर ईयर्स विद शार्प ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे मे डैमेज यूअर दैट मे डैमेज यूअर ईयर्स इट मे बी लीड टू परमानेंट डिफेंस अगर आपको अगर आप क्लीन नहीं करें ईयर्स कुछ भी ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट रहता है ना जैसे वो लेके आप कान को साफ करें तो क्या होता है वो अपने ईयर्स को डैमेज हो जाके कुछ अंदर डैमेज हो जाने के बाद अपने को परमानेंट कुछ सुनाई भी नहीं देता इसीलिए शार्प ऑब्जेक्ट्स कभी भी यूज़ नहीं करना डू नॉट लिसन टू लाउड नॉइस हैज इट कैन ऑल्सो डैमेज योर ईयर्स और ज़्यादा लाउड नॉइस भी नहीं सुनना अगर वो डैमेज हो जाते आपके ईयर्स ओके नेक्स्ट टंग क्लीन योर टंग विद अ सॉफ्ट टंग क्लीनर वेन यू ब्रश योर टीथ जैसे कभी भी हो आप मुंह धोते ना ब्रश करते ना जब टंग क्लीनर से आपके टंग को साफ कर लेना जब भी ब्रश करने के बाद नेक्स्ट डोंट्स डू नॉट यूज अ हार्ड टंग क्लीनर हैज इट मे हर्ट योर टेस्ट बड्स जैसे हार्ड टंग क्लीनर्स रहते हैं ना छोड़ दो आता हूँ ओके हार्ड टंग क्लीनर यूज़ नहीं करना जैसे आपके टेस्ट बड्स को हर्ट करता जो भी अपने को खाए सो अपने को टेस्ट समझ में नहीं आता इसलिए हार्ड टंग क्लीनर यूज़ नहीं करना अवॉइड टेकिंग वेरी हॉट कोल्ड फूड और ड्रिंक्स जैसे अपन ज़्यादा गर्म भी नहीं पीना ज़्यादा ठंडा भी नहीं पीना ये अवॉइड करना ओके नेक्स्ट नोस If you catch a cold, blow your nose gently. If you have a cold, ask an adult to take you to doctor. जैसे आपका आपको सर्दी हो गई तो क्या होता है नाक बंद हो जाती तो ज़्यादा blow your nose gently. तो जब जैसे अपने को नॉर्मल सांस लेने भी नहीं आता तो जब क्या करना अडल्ट आपसे भी जो बड़े हैं ना उन लान से आप सजेशन लेना नहीं बोलते डॉक्टर के पास जाना ओके नेक्स्ट डोंट्स डू नॉट कीप किंग योर नोज जैसे ऐसे नाक को खींचते रहते ना सब लोग ऐसे लाल हो जाती सर्दी हो जाती ऐसा पिक नहीं करना उसको डू नॉट पुट एनी थिंग योर नियर नोज हैज इट कुड गेट स्टक इन द नोज जैसे आप नाक में कुछ खेलते खेलते कुछ डालते छोटे बच्चे क्या करते पेपर से खेलते डाल देते तो वो जाके नाक में स्टक मतलब कि अटक जाता उसके अंदर इसीलिए डेंजरस थिंग्स कुछ भी नहीं करना नेक्स्ट स्किन टेक ए बाथ रेगुलरली एंड वॉश योर स्किन विथ सोप एंड क्लीन वाटर जैसे स्किन को नीट रखने के लिए डेली पानी नहाना है और अपने स्किन को सोप से और वाटर से साफ पानी से धोना है नेक्स्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स डेली और डेली साफ पानी साफ कपड़े पहनना डोंट्स डू नॉट अप्लाई एनी क्रीम और ऑइंटमेंट ऑन योर ओन इन केस ऑफ एनी ओन्स अगर आपके स्किन पे कुछ हो गया जल गया कुछ हुआ तो क्या करना मार लगा तो आपने आपसे कोई भी क्रीम लेके नहीं लगाना जिस डॉक्टर को सजेस्ट करने के बाद ही स्किन के ऊपर अप्लाई करना डोंट स्क्रैच यूअर स्किन हार्ड इवन इफ़ इट इचेस जैसे थोड़े लोग क्या है ज़्यादा सा इचिंग मतलब जैसे खुजाते ना ज़्यादा खुजाते क्या है स्किन का ऊपर का जो चमड़ा है ना वो स्क्रैच करते हैं निकाल के फेंक देते हैं वैसा नहीं करना उसको स्किन बहुत सेंसिटिव रहता इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही चूज़ करना आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द क्लास वी कंप्लीटेड अवर लेसन एंड योर होमवर्क इज दिस न्यू वर्ड्स टू न्यू वर्ड्स आर देयर नो नर्व्स एंड ऑटोमैटिक राइट वन टाइम होमवर्क ओनली टू आई एम गिविंग राइट इट एंड सेंड मी थैंक यू